जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण खबर लेके आया। जी हाँ दोस्तों, सेना में जाने वाले युवाओं के लिए यहाँ पर बड़ी खबर, भर्ती प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया में फिर से सेना ने बड़ा बदलाव कर दिया, लाखों अभ्यर्थियों के सपने टूटे। जी हाँ, आपने सही सुना, लाखों अभ्यर्थी डायरेक्टली बाहर हो चुके हैं। यहाँ पर सोल्जर, जीडी, क्लर्क सभी के बारे में बात करने वाले। फिर से यहाँ पर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बड़ा चेंजेस कर दिया गया, लाखों युवा हुए सेना रैली से बाहर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लाखों अभ्यर्थी आप फॉर्म भरने के लायक भी नहीं बचेंगे और अब सेना रैली भर्ती में बहुत ही कम आपको भीड़ देखने को मिलने वाली है। सेना भर्ती वाले जरूर देखें, ये सारी महत्वपूर्ण बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन सी रैली भर्ती है जिससे ये नियम आपका लागू होने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको इंडियन आर्मी रैली भर्ती से संबंधित पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलो देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो, मैं पूरी न्यूज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आप अगर सेना में भर्ती होने के इच्छुक अभ्यर्थी है तो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहां देख सकते हो आपकी ये नियम कब से लागू होने वाला है। तो सबसे पहले आप सबके ऊपर आप यहाँ देख सकते हो, जयपुर है आपके सीकर और टोंक की भर्ती है, वो आपकी 10 अक्टूबर से यहाँ में सीकर में होनी है। जी हाँ दोस्तों, नए नियम भी यहीं से लागू होने वाले हैं। आपके 10 अक्टूबर आ रही है उससे ये नए नियम है, वो सीकर रैली भर्ती जो सीकर, जयपुर और टोंक की होने वाली है उससे ये नियम, जो नए नियम है वो आपके लागू होने वाले। पूरी बात करें यहां पर दोस्तों, तो आप यहां देखते हो सेना भर्ती के लिए अब 10वीं में 45% अंक जरूरी है, मार्क्स पास होने वाले युवा नहीं बन पाएंगे सैनिक। जी हां दोस्तों, अब जो गिरीश लग के पास होने वाले अभ्यर्थी है उनको यहां पर मौका नहीं मिलेगा, वो अब भर्ती में नहीं जा पाएंगे, सैनिक नहीं बन पाएंगे। पूरी न्यूज में आपको बता देता हूं, भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले हजारों युवाओं के सपनों पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। हाल ही में भारतीय सेना में जनरल ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी भर्ती के लिए योग्यता में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां 10वीं पास युवा जो सोल्जर जीडी पद की सेना भर्ती में शामिल होते थे, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार 10वीं में 45% जो अंक है वो होने जरूरी है, साथ में सभी सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स भी होने जरूरी है। यहां पर आप बड़ी खबर देख सकते हो, प्रतिशत अंक का अनिवार्यता के साथ में ही हजारों युवाओं के सैनिक बनने के सपने टूटते नजर आ रहे। खास बात यह है कि ग्रीस मार्क से पास होने वाले युवा अभी सैनिक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। जो ग्रीस मार्क से पास हो रहे वो अभ्यर्थी यहाँ पर अब सेना में शामिल नहीं हो पाओगे। यहाँ पर पूरी न्यूज में आपको बता देता हूँ, जयपुर, सीकर और टोंक के युवाओं के लिए 10 से 23 अक्टूबर तक सीकर भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है। सैनिक भर्ती के लिए 10वीं पास होना ही शैक्षणिक योग्यता थी, लेकिन अब 45% और 33% हर विषय में अनिवार्य कर दिए। सेकावाटी के हजारों ग्रामीण युवा बाहर हो गए। यहां पर डायरेक्टली मैं पूरी न्यूज आपको बता देता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो सीकर के कुलदीप के 10वीं में 48.83% और 12वीं में 62% मार्क्स, फिर भी वो बाहर हो गया। पूरी न्यूज में बता देता हूं किस कारण बाहर है। तो यहां पर सीकर के फतेहपुर में कुलदीप के 10वीं में 48.83 नंबर है, लेकिन हर विषय में 33 नंबर नहीं होने के कारण वह इस भर्ती से बाहर हो गया, जबकि 12वीं में उनके 62% मार्क्स है वो बन रहे हैं। उधर बात आती है चूरू के रविंदर सिंह के, 10वीं में 46.50% मार्क्स है और 12वीं में 62% मार्क्स इनके बन रहे हैं, लेकिन चूरू के रविंदर सिंह साल भर सैनिक बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन नए नियम के चलते वह अब बाहर हो गए। उनके 10वीं में 46.50% मार्क्स तो है, लेकिन विज्ञान विषय में 1 नंबर ग्रीस मार्क्स से पास है, जबकि 12वीं उनके 62% मार्क्स है वो यहां पर बन रहे हैं। उसके अलावा आप यहां देखते हो, यह है तकनीकी कानूनी रूप से गलत, कानूनी सलाहकार सेना भर्ती के लिए उचित नहीं है। सेना के लिए शारीरिक दक्षता सर्वोपरि मानी जाती है, लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट बनती है, यह तकनीकी और कानूनी रूप से गलत है। 20% से अधिक गरीब परिवारों के युवा देश सेवा में जाते हैं, ऐसा जो कानूनी सलाहकार है भारतीय सेना के डॉक्टर दशरथ सिंह खिरोड़ है उन्होंने यह बताया है।
तो यहाँ पर सेना में जाने वाले लाखों अभ्यर्थी यहाँ पर डायरेक्टली बाहर हो चुके हैं। अब सेना रैली भर्ती में आपको भीड़ देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सोल्जर जीडी में सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसी सोल्जर जीडी की आती है और वहीं पर यह बड़ा नियम चेंज कर दिया गया है। तो अब आप अगर फिजिकल और मेडिकल फिट होते हो तो यहाँ पर सेना में आपको भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कम अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई हो पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए ये बड़ी खबर आई है, सबसे पहले हम आपके सामने यहाँ पर लेके आए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इंडियन आर्मी से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।